नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपुल फिर से हाजिर हूँ निफ्टी एनालिसिस सीरीज की नई वीडियो लेके। आज जून का पहली तारीख है और मई एक्सपायरी हो चुकी है। जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि निफ्टी 700 से ऊपर रहनी चाहिए, वो बिल्कुल वैसे ही चली है। और देखिए, जून में देखते हैं कि निफ्टी किस करवट बैठ रही है, कैसा ट्रेड रहेगा। थोड़ा सा हल्का सा इंडिकेशन है आज, बहुत ज़्यादा क्लियर मूवमेंट नहीं थी क्योंकि एक रेंज में रहा है बाज़ार। क्योंकि कल एक्सपायरी थी, आज जो जून फ्यूचर था कल की एक्सपायरी से नीचे था, तो जो 30-40 पॉइंट का निफ्टी में जो गैप था वो उसको फिल करने के लिए बाज़ार पूरे दिन घूमता रहा है। हालांकि थोड़ा आखिरी क्षणों में मंदी दिखाई दी, आगे देखते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, मेरी एक थॉट्स हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको ग्रहण कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ है, जैसा चाहें जी सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सोशल प्रोफाइल्स पे सेव कीजिए। मेरे यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियोस लेटेस्ट आपको टाइम पे मिलती रहें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरी ईमेल आईडी और मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप मेरे साथ उनसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं निफ्टी एनालिसिस सीरीज 1 जून। आज बाजार कैसा बंद हुआ, चलिए चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आज का चार्ट है और आज का चार्ट आप देखेंगे कि शुरुआती बाजार तेज होने के बावजूद उसमें से थोड़ी सी वापस रिकवरी आती है। रिकवरी आने के मतलब वापस रिट्रेस करता है मार्केट। रिट्रेस करने के बाद मार्केट नए से नया लो बनाया है और आखिरी में लो पे ही बंद हुआ है, ठीक है। और यहाँ से कोई रिकवरी अभी नहीं दिखाई दे रही है। जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ से भी तो आप देखेंगे तो सेलिंग ही दिखाई दे रही है। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं ये जब आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन कौन से इंडिकेटर्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ, और जो लोग समझदार हैं वो समझ रहे होंगे, और जो नहीं जानते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो मेरे से जुड़े और हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि इनको कैसे आगे समझना सीखना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत क्लियर कट है कि 15 मिनट का चार्ट आपको बिल्कुल सेलिंग ही इंडिकेट कर रहा था। चलिए देख लेते हैं कि इसमें वो ना अर्ली चार्ट आज कैसा रहा। आज आवरली चार्ट में भी देखिए दोस्तों, सेलिंग ही देखने को मिली है। और इसमें हल्का सा आप देखेंगे ये तीनों ट्रेंड लाइन जो है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो डाइवर्ज कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही है और थोड़ा सा मंदी के ही संकेत रहे हैं। 5 मिनट चार्ट भी सेलिंग ही क्लियर कट है और सेलिंग बढ़ रही है। 5 मिनट चार्ट में आखिरी में बाजार बंद हो चुका है। और जो डेली चार्ट रहा है, डेली चार्ट में हालांकि बाइंग हुई थी, बाइंग आप देखेंगे तो ये कैंडल जो बनी है हाई लगाने के बाद थोड़ा सा कैंडल ने वापस रिट्रेस किया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि हल्का सा बाजार नीचे स्तरों पे ही बंद हुआ है। और कल निफ्टी एक्सपायर हो गई दोस्तों। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा है कि अभी तक पूरे महीने में जिन DIIs ने बाइंग की थी, ये कॉलम देखिए ये, ठीक है, वहाँ कल DIIs ने एक्सपायरी पे 266 करोड़ की सेलिंग करी है और FIIs ने मात्र 15 करोड़ की सेलिंग की है। तो बहुत ही ज़्यादा कुछ कन्विंसिंग नहीं है ये डेटा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि अभी जून में निफ्टी कैसे रहने वाली है। आज का ओपन इंटरेस्ट चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का, और ओपन इंटरेस्ट चार्ट भी बहुत ही ज़्यादा बहुत कन्विंसिंग नहीं है। 10,700 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुई है। हालांकि 10,600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहा है पुट साइड में, 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का। और इसमें 10,700 पे करीब करीब 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। मतलब यहाँ पुट राइटिंग देखने को मिली है बड़े जोरों पे। मतलब बाजार 10,700 से नीचे नहीं देख रहा है। और यहीं आप दूसरी साइड कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 38 लाख का, 11,000 पे। मतलब बाजार 11,000 से ऊपर नहीं जाता दिखाई दे रहा है। ये एक काफ़ी दूर का लेवल है। अगर थोड़ा नज़दीक में आने की देखें तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है आपका 10,900 पे, 7,35,000 का, और 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं 10,800 में। तो बाज़ार को अभी 700 और 800 की रेंज का मान के चल सकते हैं कि बाज़ार बहुत क्लियर कट कुछ नहीं, ट्रेंड क्लियर कर रहा है। चलिए दोस्तों, ये आपके आज के डेटा रहे। और इसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं आपके सामने है, बहुत ज़्यादा क्लियर ट्रेंड नहीं है। 700 और 800 के बीच का बाज़ार दिखाई दे रहा है। 700 से बाज़ार सपोर्ट ले रहा है, अगर उसको तोड़ता है, 700 के सपोर्ट को अगर बाज़ार तोड़ता है, तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट वो ले रहा है 10,600 पे, जहाँ पे 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। उसके बाद सपोर्ट ले रहा है 10,500 पे, जहाँ पे 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले सेशन। बाज़ार में टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशो देखें तो भी हम देख सकते हैं लगभग लगभग बराबर ही है, जबकि पुटों में ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है पिछले महीने के मुकाबले में, जहाँ पुटों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बाजार में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। अभी वो संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए आने वाले दिनों में ही ये तय हो पाएगा कि आने वाले मार्केट कैसा होने वाली है। देखिए दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ओपन इंटरेस्ट चार्ट को बहुत बहुत ध्यान से देखिए, इसको रेगुलर ट्रैक कीजिए। ये आपको बहुत क्लियर कट दर्शा देता है कि बाज़ार किस करवट घूमने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। और बने रहें, देखते रहें लगातार। अपने जो प्रोत्साहन दिया है, जो सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।